जय हिंद, मैं अभय सिंह तेवतिया और आज हम बात करने वाले हैं कि फास्ट किस तरह भगे। रनिंग के अंदर अगर आप फास्ट भगते हो तो आपका टाइम भी डिक्रीज होता है और साथ साथ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आता है, ठीक है। और कोई सी भी रनिंग हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब में फास्ट भगना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। टिप्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पर आज हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइज। और एक बात बता दूँ, लास्ट की पाँच ही छठी एक्सरसाइज तो इतनी खतरनाक है, अगर आप उन्हें कर लोगे तो आपकी स्पीड में इंक्रीज आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 100% स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। टिप के ऊपर हम बात कर चुके हैं तो टिप के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज सीधा एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज क्या है, छोटी हाई नी बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या करना होता है, जितना फास्ट पैर आप चलाओगे ना उतनी जल्दी आपकी मूवमेंट फास्ट होगी और आपके पैर जल्दी जल्दी चले करेंगे, और पैर जल्दी चलेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है। आते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे, छोटी हाइनी इसे बोलते थे पिछली वाली को, दूसरी एक्सरसाइज को हम बोलते हैं बड़ी हाइनी, इसे नॉर्मल हाइनिंग बोलते हैं। और ये सारी एक्सरसाइज कौन सी होती है, ये होती है एबीसी। अभी हम एबीसी एक्सरसाइज के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर बाद में और एक्सरसाइज के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। ये एबीसी ड्रिल्स के अंदर आती है, सबसे पहली छोटी हाइनी। अब आते हैं हम बड़ी हाइनी पे। बड़ी हाइनी में क्या करना होता है, आपको नी को ना ऊपर मारना होता है अपनी बॉडी पे, और जितना हो सके ना आपको अपर रखना है, ना कि लोअर, ठीक है। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज। और ध्यान रखें, इन एक्सरसाइज को करते करते जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है तो एक छोटी सी स्ट्राइड जरूर लें। अब आते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज पे, जिसे हम बोलते हैं बैक किक। और बैक किक में क्या होता है ना, आपको पैर पीछे मारने होते हैं, और इससे क्या होता है, जब ऐसे करते हैं तो आपके पैरों के पीछे की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब आप रनिंग करते हो तो आपको पता है पैर हमारे कितने पीछे जाते हैं, मूवमेंट कितनी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी बेस्ट रहेगी एक्सरसाइज। और ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना, डेली आपको नहीं करनी, ये एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि डेली करने से क्या होता है, मसल्स टूटती है और रिकवरी करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है एक दिन के लिए, ठीक है। तो डेली करना बेकार है, एक एक दिन कर सकते हो, ठीक है। तीन चार एक्सरसाइज बताई है, ये एबीसी ड्रिल्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम इन्हें एक एक्सरसाइज मानेंगे, और एक एक्सरसाइज की ये तीन चार पार्ट है, ठीक है। इन्हें हम रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज पे। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इसे हम बोलते हैं जंप, स्क्वाट जंप। आपका क्या करना होता है, स्क्वाट मारना होता है, फिर आपको पूरा हाथ ऊपर करके जंप करना होता है। इससे ना काफ़ी फायदा है, एक तो देखो आपकी पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्क्वाट मारा करो डेली, नहीं जैसे वीडियो में आपने देखा है सेम उसी तरीके से मारना है। ये है स्क्वाट जंप, ठीक है। ये हो गया हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इस तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको स्क्वाट जंप करना है बॉक्स के साथ पर, ठीक है। क्या करना है आपको, इसे हम बोलते हैं वैसे बॉक्स जंप, और स्क्वाट जंप भी बोलते हैं, पर लेकिन इसे बॉक्स जंप ज़्यादा बोला जाता है। इसमें क्या करना होता है, किसी दीवार के या आपकी जो छोटी दीवार है उस पे, या कोई आप पे बॉक्स है उसके ऊपर आपको जंप करना होता है। बॉक्स के साथ स्टेयर है तो स्टेयर के साथ, या कोई भी दीवार हो जो छोटी है आप उस पर कूद सकते हो, तो उस तरीके से। इसमें ध्यान रखें, जैसे ही आप कूदो तो आप अपने पंजे पे आ जाएं और पूरा हाथ अपना स्ट्रेट करें। उससे क्या होगा ना, आपकी जो बॉडी टाइट हो रही है ना वो भी रिलैक्स होती रहेगी, और साथ साथ जंपिंग आएगी, पंपिंग आएगी, ठीक है। ये होगी हमारी तीन एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी मेन है, क्या करना है, एक आपको अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो जाना है, या किसी बंदे से, या आप खुद भी कर सकते हो, आपके पास कोई बंदा नहीं है उस, या तो आपके पास बंदा है तो उसे बोलो कि स्टार्ट बोले, गो बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। उससे क्या होगा ना, जैसे वो गोल बोलेगा आपको एकदम रोटेट करके रनिंग करना है, उससे क्या होगा ना एजिलिटी बढ़ेगी, फुर्ती बढ़ेगी, और फुर्ती बढ़ने से स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपको सबको पता है, ठीक है। इसमें क्या है, आप जब भी स्ट्राइड रनिंग करो तो रनिंग करने से पहले ना स्ट्राइड लगानी ज़रूरी है, स्ट्राइड से स्पीड इंक्रीज होती है, और आपको लेग स्टेप ओपन करने के लिए, पावर इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और छठी जो कि सबसे मेन है, वो है आपकी लेग की पावर बढ़ाने के लिए, लेग ओपन करने के लिए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग स्टेप। लॉन्ग स्टेप के लिए भी वीडियो अभी सामने आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक्सरसाइज काफ़ी बेस्ट रहेंगी लॉन्ग स्टेप के लिए। और लॉन्ग स्टेप हो जाएंगी तो एक तो स्मूथ आपके पैर चले करेंगे, दूसरा जैसे आप पावर लगाओगे तो लॉन्ग स्टेप के साथ साथ आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, और साथ साथ आपको पता है 1 मीटर के अंदर आप 2 कदम रख देते, जहाँ अगर आप उस पर 1 कदम रखोगे तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और साथ साथ डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा, और आपकी जो स्टेमिना वो भी बचा रहेगा, ठीक है। ये हैं 6-7 मेन एक्सरसाइज। अगर इन एक्सरसाइज करते हो तो स्पीड गारंटी के साथ इंक्रीज़ होगी। इन एक्सरसाइज को सिर्फ एक दिन नहीं छोड़ छोड़ के करना है, मतलब एक दिन करा, एक दिन छोड़ दो, एक दिन करा, एक दिन छोड़ दो, एक दिन करा, एक दिन छोड़ दो, ऐसे करो, गारंटी के साथ स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगा। बस इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।